हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली क्लास 11 के लिए भी एसएससी ने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। आई होप आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं फॉर्म भरने का, तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्म भर दीजिए। चाहे आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, चाहे आपके घर से दूर है या पास है, लेकिन फॉर्म आप ज़रूर भर लीजिए। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों फॉर्म आपको भरने हैं। फ्री का है तो आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा, और फॉर्म भरने का इजी प्रोसीजर है जो मैंने आपको वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो डाल दूंगा। आज के वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ना होगा, कौन सी बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, क्या कोई बुक्स हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट मिलती रहती है। सबसे पहले हम इसकी सीट की बात करेंगे। तो सीटें तीन डोमेन की आई हैं, और अगर हम तीन ना कहें से चार कहें, क्योंकि जो स्टेम है वो दो हो जाते हैं, PCB और PCM, तो चार डोमेन में हमारे लिए फॉर्म निकले हैं। यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी वो दो टाइप से बनेगी। पहला जो मेरिट है आपका वो ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल PCM, PCB या ह्यूमैनिटी या आर्म फोर्स का। दूसरा आपका स्कूल वाइज, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में लिमिटेड सीटें हैं, और जिस स्कूल में जितनी सीटें हैं उतनी ही स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। 700 अराउंड में फॉर्म निकले हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म निकले हैं वो स्टेम के निकले हैं, लगभग 500 के करीब फॉर्म निकले हैं। अगर हम आर्म फोर्स की बात करें तो उसमें तो 100 ही निकलते हैं, हर बार ही 100 निकलते हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें भी 100-120 के करीब फॉर्म है, तो ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो स्टेम के निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा फॉर्म हैं तो नाम तो आ ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नाम उसी का आएगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी और वही पढ़ा होगा जो एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्टेम ही चूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के रिगार्डिंग देखिए, अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियल सिलेबस तो रिलीज नहीं किया है। अब अगर हम तब तक वेट करें कि सिलेबस आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो एक महीने का ही आपके पास टाइम है फॉर्म भरने से लेकर के और रिजल्ट आने तक। एक महीने में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप सिलेबस का वेट बिल्कुल ना करें। जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले साल जो जो आया था, और अगर हम 9th की बात करें तो जो जो आपका एक एक्सपीरियंस है वो क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसकी आप तैयारी आप आज से ही कर देंगे। सबसे पहले अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, तो ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास देखिए कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जैसे मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये क्वेश्चंस तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ एक आर्ट्स रिलेटेड हैं, तो आपको यहाँ पर SST के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप SST की भी तैयारी करेंगे। कौन सी बुक से पढ़नी है, कौन सी बुक खरीदनी है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को समझ लीजिए। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कुछ चैप्टर्स पैसेज वगैरह होंगे, उससे क्वेश्चंस छांटने होंगे। तो फर्स्ट राउंड आपका, यानी कि ह्यूमैनिटी में दो राउंड हैं, फर्स्ट राउंड आपका रिटन टेस्ट है, सेकंड राउंड आपका इंटरव्यू टाइप का उसे कह सकते हैं, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पर आपको भी ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेना चाहते हैं, तो एबिलिटी है ना, तो एबिलिटी क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास। उसके बाद हम बात करेंगे आर्म फोर्स की। आर्म फोर्स में 100 सीटें हैं, तीन राउंड होंगे इसमें। फर्स्ट राउंड आपका रिटन टेस्ट है, तो सबसे आपका चाहे कितना ही आप फिजिकल एक्टिव हैं, मेडिकल फिट हैं, बट अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप अनफिट हो जाएंगे, और आपका जो मेडिकल है, जो फिटनेस है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने का। रिटन टेस्ट में यहाँ पर भी आपके पास जनरल एबिलिटीज़, जो जनरल मेंटेलिटी एबिलिटी हैं और रीजनिंग है, ये सवाल तो आपके पास होंगे ही होंगे। साथ में अगर आप, क्योंकि यहाँ पर NDA वगैरह की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी, तो यहाँ पर आपको साइंस भी पूछी जाएगी, मैथ्स भी पूछी जाएगी,
जनरल साइंस और जनरल मैथ के क्वेश्चंस आपके पास आर्म फोर्स में होंगे ही होंगी, इसलिए आप इग्नोर ना करें साइंस और मैथ को। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम में भी बेसिकली दो डोमेन आपको अलग अलग मिल जाते हैं, पहला PCM, दूसरा PCB। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि मैं अगर PCB लूँ तो क्या मुझे मैथ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये भी डाउट आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे PCB की, तो PCB में अगर आपने लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपके पास मैथ्स के क्वेश्चंस भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैथ्स ली नहीं है तो क्वेश्चंस क्यों होंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास रहेगा मेंटल एबिलिटी, उसके बाद रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के साथ साथ में आपके पास रेशियो रहेगा। 100 अगर 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे या ओवर 100% का आपका पेपर बनता है, तो 50% आपका साइंस रहेगी, उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। बट जो 50 क्वेश्चंस बचेंगे उसमें आपके जैसे मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल एबिलिटीज होंगी, और इसके साथ ही मैथ्स के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। अगर हम ओवरऑल रेशियो की बात करेंगे तो 10 से 15-20 क्वेश्चंस आपके पास मैथ्स के भी रहेंगे। PCM लेना चाहेंगे तो आपके पास सेम यही कैटेगरी रहेगी, जो 50% यानी कि 50 क्वेश्चंस या 50% मान लो वो आपके पास मैथ्स रहेगा। मैथ्स 50% के साथ साथ में जो बाकी 50% बचा हुआ है उसमें से ओवरऑल आपका सारा आएगा। मतलब ये कि उसमें आपको कुछ साइंस के क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको मेंटल एबिलिटी के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जनरल एबिलिटीज़ के होंगे। तो आप PCM लेने के बाद आप बायोलॉजी को इग्नोर ना करें, आप केमिस्ट्री को इग्नोर ना करें, आपको सारा का सारा पूछा जाएगा। क्योंकि स्टेम का मतलब होता है साइंस है, वहाँ पर इंजीनियरिंग है आपके पास, मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आप लें या ना लें, तो एक जनरल पैटर्न रहेगा। अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, आपको बुक कौन सी खरीदनी है। अगर आप बुक की सोच रहे हैं, हालांकि बुक मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, स्टेम के लिए हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए ही आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक्स रहती है बहुत मोटी और उसमें हम हो जाते हैं कन्फ्यूज, क्योंकि एक महीने का टाइम है, एक महीने में सब कुछ कवर करना है, तो आप एक महीने में सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए बुक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपके पास अगर कोई नॉर्मल सी बुक हो तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ट्रिक के साथ आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बुक की बात करें तो आपके पास मैक्सिमम जो 9th का एक्सपीरियंस रहा है या जो पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है, वो NCERT, यानी कि NCERT से 80% बच्चों के क्वेश्चंस आए थे। तो आपको अपनी NCERT की प्रैक्टिस करनी है क्लास 10th की। आप 9th भी देखें, लेकिन आपको देखो 5-7 घंटे डेली के निकालने होंगे अगर आपको स्टेम लेना है, स्पेशली स्टेम लेना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा स्टेम और आर्म फोर्स में ही रहेगा। आपको NCERT को प्रैक्टिस करनी है और मैथ साइंस की आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी जो मेंटल एबिलिटी है और रीजनिंग के, उसके एवरेज सभी हो जाते हैं, बट आपको एक आध घंटा जो है डेली का रीजनिंग और उसके लिए भी रखना है। बट मैक्सिमम आप NCERT मैथ्स को पूरा रट जाइए, साइंस को पूरा रट जाइए, रिवीजन आप दोबारा जितना कर पाएंगे उतना आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में फॉर्म भी आप ज़रूर भर लीजिए, फॉर्म भरने का प्रोसीजर भी है। और अगर आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।